हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणं अरहंत सिद्ध सूरि उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिन को स्वरूप जान राग ते भई जो भक्ति तात काय को नमाय स्तुति को चारी है। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय करी जोरी बारंबार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहतू है हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हमारा बारह भावना एक अनुशीलन इस ग्रंथ पर हमारा स्वाध्याय चल रहा है। कल हमने स्टार्टिंग में बारह भावना या फिर इसका अनुप्रेक्षा का एक सामान्य स्वरूप पढ़ा था, जिसमें कार्तिकेय मुनि कार्तिकेय अनुप्रेक्षा ग्रंथ में अपने कार्तिकेय अनुप्रेक्षा ग्रंथ में इन बारह भावनाओं को भव्य जन की आनंद की जननी कहते हैं। और यहाँ तक कुंदकुंद आचार्य तो यहाँ तक लिखते हैं कि यदि कोई भविष्य में मोक्ष जाएगा, वर्तमान में जो मोक्ष जा रहा है और जो भूत में मोक्ष गए हैं, वह सभी इन बारह भावनाओं के प्रताप से ही मोक्ष गए हैं, अन्य किसी के नहीं। इतना बहुमान और इतनी महत्वपूर्ण चर्चा कुंदकुंद आचार्य देव ने इन बारह भावनाओं को बताई। फिर आगे हमने छहडालाकार पंडित श्री दौलत राम जी जो लिखते हैं कि मुनि सकल व्रति बड़भागी भोगंत वैरागी, और उन्होंने भी इन बारह भावनाओं को इतनी उपमा दी कि जिस प्रकार माँ पुत्र को उत्पन्न करती है, उसी प्रकार ये बारह भावनाएं वैराग्य को उत्पन्न करती हैं। तो इतना अपना एक पुराना अपन ने जो कल पढ़ा था उसका अपन का रिकैप हो गया। आज अपन को जो इस पेज में ही जहाँ पे ये छाला वाली लाइन दी है उसका जो आखिरी पैराग्राफ है अपन को आज वहां से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो चलिए अपन लोग सब पढ़ते हैं। दिव्या जी स्क्रीन को थोड़ा और मतलब जो लास्ट पैरा है वहां पे ले आइए। हाँ, अनुप्रेक्षा अर्थात चिंतन, बार बार चिंतन। इस बात पे इन्होंने इस लाइन में जोड़ दिया कि बारंबार चिंतन चलना चाहिए, क्योंकि ये बात तो हमने कल भी समझी थी कि अज्ञानी को भी अनित्यता अशरणता आदि फीलिंग्स का तो उसको भी बोध होता है, ज्ञान होता है, लेकिन ज्ञानी और अज्ञानी में अंतर इतना आ जाता है कि ज्ञानी को इन भावनाओं का या फिर इन फीलिंग्स का बारंबार चिंतन चलता है, परंतु अज्ञानी को इन भावनाओं का बारंबार चिंतन नहीं चलता। इसलिए अज्ञानी का जो चिंतन है वो अनुप्रेक्षा नाम नहीं पाता, और जो ज्ञानी का चिंतन है वह अनुप्रेक्षा नाम पा जाता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। किसी विषय की गहराई में जाने के लिए उसके स्वरूप का बार बार चिंतन बार बार विचार करना ही चिंतन है। यद्यपि चिंतन वस्तु स्वरूप के निर्णय के लिए किया जाता है, तथापि यदि विषय रुचिकर हो तो निर्णीत विषय भी बार बार चिंतन का आधार बनता है। बहुत ही महत्वपूर्ण तीन लाइन यहाँ पे दादा ने लिखी है। ठीक है, अपन फिर से पढ़ते एक बार। यद्यपि चिंतन वस्तु स्वरूप के निर्णय के लिए किया जाता है, चिंतन का जो मुख्य काम था, मुख्य टास्क था, वो था वस्तु किसी भी विषय के बारे में उसके संपूर्ण एंगल्स के द्वारा निर्णय करना, उसका ज्ञान करना। तथापि पर तो भी अगर जिस विषय के बारे में आप जानने की कोशिश कर रहे हो, जिसका चिंतन आपको बारंबार चल रहा है, यदि वह आपको रुचिकर लगता है, तो उसके वस्तु स्वरूप का निर्णय हो जाने के बाद भी उसका चिंतन चल सकता है। ठीक है, यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा उभर के यह आती है कि
हमने पढ़ लिया तत्वार सूत्र का पहला अधिकार का पहला सूत्र, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। वहां पर बताया कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता का नाम मोक्ष मार्ग है। इसलिए ही दर्शन गुण का अर्थात श्रद्धा गुण का, ज्ञान गुण का और चारित्र गुण का, इन तीन गुणों का पूरे जिनागम में, संपूर्ण जिनागम में, समस्त जिनवाणी में बहुत ज्यादा वर्णन है। मतलब ये इन तीनों गुणों को बहुत महत्वपूर्ण गुण माना जाता है। अब हम श्रद्धा तो आराम से समझ जाते कि श्रद्धा का मतलब क्या, कि निज आत्मा में, निज आत्मा को निज आत्मा मानना, अपने आप को आत्मा मानना, ऐसी श्रद्धा, तो उसको तो हम समझ जाते हैं, ठीक है, ये सम्यक श्रद्धा है, सम्यक दर्शन है। दूसरा सम्यक ज्ञान, कि आत्मा को आत्मा जानना, उसका नाम सम्यक ज्ञान है, ये भी बहुत सरल है। लेकिन जब सम्यक चारित्र को समझने की बात आती है, तो सम्यक चारित्र को समझने में हमारी दिक्कत ये आती है कि एटलीस्ट मुझे तो ये काफी दिक्कत आई कि सम्यक चारित्र की ये डेफिनेशन छेड़ाला में आ गई कि आत्मा में रमणता ही सम्यक चारित्र है, आत्मा में तल्लीनता ही सम्यक चारित्र है। अब पर ये रमणता और ये तल्लीनता, ये मतलब वास्तविकता में है क्या, कि कोई ऐसा कोई अलग से, पहले ज्ञान श्रद्धा हो गई, ठीक है, श्रद्धा हो गई कि मैं आत्मा हूं, फिर ज्ञान हो गया, ठीक है मैं आत्मा हूं, परंतु अब फिर ये अलग से आचरण मतलब क्या हुआ, कि आत्मा में आचरण मतलब क्या हुआ। तो मेरी सचिन पंडित जी के साथ इस बात पे विषय में चर्चा हुई थी, तो सचिन पंडित जी ने मुझे फिर ये समझाया कि सम्यक चारित्र, जो चारित्र गुण अलग से भले ही बना दिया है कि तल्लीनता नामक एक गुण है, आत्मा में रमणता नामक एक गुण है जिसका नाम है चारित्र, परंतु जब कोई ज्ञान की पूरा काम तो वैसे भी ज्ञान ही करता है, क्योंकि जानने का काम सिर्फ आत्मा में ज्ञान गुण करता है, तो जब कोई व्यक्ति जो आत्मा का ज्ञान कर रहा है, ठीक है, एक वो जो जानपना हो गया उसको तो सम्यक ज्ञान उन्होंने कह दिया, परंतु वही जानपना जब कंटिन्यूअस रूप में चलने लगा कि आत्मा में, आत्मा के स्वरूप में वो ज्ञान की पर्याय ने डुबकी लगाई, फिर डुबकी लगाई, फिर डुबकी लगाई, अभी पहले तो ज्ञान ज्ञेय का विकल्प का ऐसा भेद चल रहा था, लेकिन जब वह ज्ञान 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 ऐसी कंटिन्यूअस धारा बन गई, और जब ये ज्ञान और ज्ञेय का विकल्प समाप्त हो गया, तो ऐसी रमणता हो गई कि ना कोई ऐसा भेद ही नहीं रहा कि ज्ञान किसको कहते हैं, ज्ञेय किसको कहते हैं, मात्र आत्मा 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 आत्मा, ऐसा शब्द भेद भी नहीं रहा, ऐसा मात्र एक धारा रमणता जो हो गई ना, उसको सम्यक चारित्र कहा। तो हमें कभी ये समझ में नहीं आता था कि आत्मा में रमणता मतलब क्या, अरे ज्ञान के अलावा और कुछ है ही नहीं, इसलिए ज्ञान की इतनी इतनी चर्चा और ज्ञान को इतना महत्वपूर्ण गुण जिनागम में बताया गया है, क्योंकि उसी ज्ञान की तल्लीनता हो गई, उसी ज्ञान की एक धारा बन गई, उसको हमने चारित्र शास्त्रों में कह दिया, ठीक है। तो यहाँ पर एक और यहाँ पे लाइन लिखी, तथापि यदि विषय रुचिकर हो तो निर्णीत विषय भी बार बार चिंतन का आधार बनता है। अब यहाँ पर मेरे दो प्रश्न उपस्थित होते हैं। पहला प्रश्न मेरा ये उपस्थित होता है कि क्या अरुचिकर विषयों का भी चिंतन हो सकता है, और दूसरा प्रश्न मेरा ये उत्पन्न होता है कि क्या कम रुचिकर विषयों का भी चिंतन हो सकता है कि नहीं हो सकता है। यदि हम पहले प्रश्न के बारे में विचार करें कि दादा ने ये लाइन लिखी कि रुचिकर हो तो निर्णीत विषय भी बार बार चिंतन का आधार बनता है, तो क्या अरुचिकर विषयों का चिंतन हो सकता है, कि हाँ बिल्कुल हो सकता है, और हमें तो कई, मतलब पूरे दिन में हमें ना जाने कितनी बार अरुचिकर विषयों का चिंतन होता है, जैसे कि हमारी फैमिली में ही मान लें, या फिर कोई हमारा रिलेटिव हुआ या फिर दोस्त हुआ, उसकी फैमिली में किसी की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, अब मृत्यु हो जाती है तो वो चिंतन हमें है तो अरुचिकर, लेकिन अब उनकी, जिसकी मृत्यु हो गई उसके बारे में बार बार हमारा चिंतन चल रहा है ना, बारंबार उसका विचार चल रहा है, तो ये बारंबार जो हमारा चिंतन चल रहा है वह है तो अरुचिकर, लेकिन फिर भी चल रहा है ना चिंतन, तो इसका मतलब ये हुआ कि अरुचिकर विषयों का भी चिंतन हो सकता है। दूसरा प्रश्न ये कि क्या कम रुचिकर विषयों का चिंतन हो सकता है, कि हाँ बिल्कुल हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं कि किसी चीज के बारे में चिंतन चल रहा है तो वह आपको रुचिकर हो ही हो, ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि किसी वस्तु का ज्ञान
मुझे मात्र जिज्ञासा के लिए हो रहा हूँ। जैसे मुझे ये जिज्ञासा हुई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कुर्ता पहनते हैं वो कहाँ से लाते हैं, या फिर मुझे ये जिज्ञासा हुई कि प्रधानमंत्री जो कुर्ता पहन रहे हैं वो कितने रुपए का आता है। अब भले अभी मुझे इस विषय में रुचि कोई नहीं है, परंतु मुझे मात्र एक ऐसी जानने की जिज्ञासा हुई, और जैसे ही वो जिज्ञासा समाप्त हो गई, मेरा थोड़ा बहुत उस पर चिंतन चला और वो विषय वहां पे, वो चिंतन की धारा वहां पे समाप्त हो गई। तो ऐसा जरूरी नहीं कि चिंतन मात्र रुचिकर विषयों में ही चले, या फिर वो अरुचिकर विषयों में भी चल सकता है, या फिर कम रुचिकर विषयों में भी चल सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये तीन लाइन यहाँ पे बहुत ही जरूरी लिखी थी, अब अपन आगे पढ़ते हैं, नीचे कर लीजिए। चिंतन ध्यान का प्रारंभिक रूप है, रुचि ध्यान की नियामक कारण नियामक होने से चिंतन की भी नियामक है। अब यहाँ पर अपन एक टाइमलाइन बना सकते हैं, टाइमलाइन हमारी बनेगी टोटल, अगर अपन थोड़ा आगे का विषय भी अगर मैं इसमें गर्भित कर लूं तो अपनी जो पूरी टाइमलाइन बनेगी वो बनेगी हमारी 5 स्टेजेस की। सबसे पहले क्या, सबसे पहले आएगा आपकी जिज्ञासा, किसी भी चीज को जानने की हमारी जिज्ञासा होती है। अब अगर वो जिज्ञासा मेरी उस विषय में रुचि पैदा कर देती है, यदि वह जान पाना रुचि मेरी पैदा कर देती है, ठीक है, तो दूसरा स्टेज मेरे आ गई रुचि, सबसे पहले जिज्ञासा, फिर आ गया मेरा रुचि। अब रुचि होने पर मैं बारंबार उसके स्वरूप का विचार करूंगा, हर एंगल से उसको जानने की कोशिश करूंगा, उसके वस्तु स्वरूप का निर्णय करने की कोशिश करूंगा, तो ये मेरा चला चिंतन। ठीक है, पहली स्टेज हो गई जिज्ञासा, दूसरी रुचि, तीसरा चिंतन चला। अब जब ये चिंतन, अगर अभी मैं चिंतन, मैं ये भी नहीं कह रहा कि चिंतन भी मात्र हमारे धार्मिक विषयों में ही चलता, ऐसा नहीं है, हमें वो अशुभ भावों अशुभ चीजों में भी हमारा चिंतन चलता है, ठीक है, परंतु मैं यहाँ पर जो हमारी अनित्य आदि भावना है, अनित्य आदि फीलिंग्स है, मैं उनकी ही चिंतन की बात करता हूँ। तो यदि हमें उनका चिंतन चल रहा है तो उसको कहेंगे हम अनुप्रेक्षा, जो कि हमें ऊपर डेफिनेशन में बता दिया गया। तो जिज्ञासा, रुचि, चिंतन, अनुप्रेक्षा, और जब ऐसी अनुप्रेक्षा जब एकदम आत्मा की तल्लीनता को जन्म दे दे तो उसको कहेंगे ध्यान, जो कि आखिरी स्टेज हुई। तो जिज्ञासा, रुचि, चिंतन, अनुप्रेक्षा और ध्यान, ये अभी अनुप्रेक्षा और ध्यान वाला जो स्टेज है वो पैरा के बाद हमें ये क्लियर हो जाएगा, तब मैं आपको वहां पे कनेक्ट करवा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक पहली लाइन फिर से पढ़ लेते हैं। चिंतन ध्यान का प्रारंभिक रूप है और रुचि ध्यान की नियामक होने से चिंतन की भी नियामक है। ठीक है, आगे, जो विषय हमारी रुचि का होता है उस पर सहज ही ध्यान जाता है, मनन भी सहज ही चलता है। ये विषय तो हम सभी लोगों को क्लियर है, और मैं नहीं समझता कि मुझे इसको ज्यादा एक्सप्लेन करना भी पड़ेगा, क्योंकि हम सभी को पता है कि हमारी जिस भी विषय में रुचि होती है उस विषय में हमारा चिंतन मनन सहज ही चलता है। वहां पर हमें वॉलंटरली या फिर हमें धक्का देके हमारे चिंतन को नहीं चलाना पड़ता, वहां पे हमारा चिंतन सहज ही चलता है। यदि किसी को सॉफ्टवेयर बनाना पसंद है तो उसका विचार उसी संबंध में सहज ही चलेगा, यदि उसे सॉफ्टवेयर बनाने के साथ साथ जैन धर्म में भी रुचि है तो फिर उसका ध्यान कोई जैन धर्म के प्रचार प्रसार वाले सॉफ्टवेयर बनाने में चलेगा। तो जहां पर हमारी रुचि होती है वहां पर हमारा ध्यान सहज ही चलता है। अब जैसे अभी टीवी पे ना, अभी बीच में कोई एक एड भी आ रही थी, उस एड में क्या होता है कि कोई एक ये रियल एस्टेट वाला जो होता है, रियल एस्टेट का बिजनेस करता होगा कोई, तो वो बंदा है और उसको अंदर ये बहुत ही उसकी ऐसी रुचि है कि उसका बारंबार मन वचन का है, उसको सब में बस वही रियल एस्टेट, घर बेचना वही चलता रहता है। ठीक है, तो अब वो रास्ते में जा रहा है और किसी की गाड़ी पंचर हो गई है, टायर फ्लैट हो गया है, तो वो सामने वाला बोलता है जिसकी गाड़ी का पंचर हो गया है, वो बोल रहा है कि भाई साहब कुछ मदद कर दीजिए, मेरी गाड़ी का फ्लैट मतलब टायर फ्लैट हो गया है। तो वो सामने जो ये रियल एस्टेट वाला है ये ऐसा बोलता है कि बताइए भाई साहब कौन सा फ्लैट हो गया है, 2 BHK फ्लैट हो गया है या फिर 3 BHK फ्लैट हो गया है। तो कहने का आशा ये कि जिसकी जहां पर रुचि होती ना उसको फिर मन वचन काया तीनों
उसका उसी के द्वारा बस चिंतन चलता रहता है, उसी के बारे में उसका ध्यान चलता रहता है। अपने टोडरमल जी का भी, पंडित श्री टोडरमल जी का भी उदाहरण आता है कि जब वो ग्रंथ लिख रहे थे इतने दिनों से, तो जब उनका ग्रंथ कंप्लीट हुआ तो भोजन कर रहे थे, तो माता ने बोला कि माता से उन्होंने बोला कि माता क्या हुआ, आज आपने खाने में नमक ही नहीं डाला। तो उन्होंने बोला माता ने कि आज क्या, मैं तो इतने दिनों से नहीं डाल रही हूँ नमक, पर तुम तो अपने शास्त्र लिखने में बिजी थे तो तुम्हें समझ में नहीं आया कि खाने में नमक नहीं है। तो इसका मतलब ये कि यह तल्लीनता इतनी बढ़ जाती है और ये हमारी जिस विषयों में रुचि होती है उन पर ही हमारा चिंतन मनन सहज चलता रहता है, और कभी कभी बाहर से, मतलब बाहर की चीजों से ध्यान हट जाता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। किसी विषय को जानने की इच्छा भी चिंतन को प्रेरित करती है। ये जिज्ञासा वाला पॉइंट जो हम पहले डिस्कस कर लिया, जिज्ञासा जितनी प्रबल होगी उसी के अनुपात में चिंतन भी गंभीर होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बता दिया कि आपकी जिज्ञासा जितनी प्रबल होगी उसी के अनुपात में आपकी चिंतन भी गहरा, चिंतन की भी गहराइयां बढ़ेंगी। अतः चिंतन शोध खोज का आधार भी बनता है। जो लोग रिसर्च करते हैं, जो लोग पीएचडी वगैरह करते हैं, वो लोग चिंतन के आधार पर ही अपनी थीसिस वगैरह लिखते हैं और उनका बहुत चिंतन चलता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि चिंतन किसी विषय को समझने के लिए भी होता है और समझे हुए विषय का भी होता है। ये ऊपर उन्होंने लिखी दिया है कि चिंतन मुख्य रूप से तो वस्तु स्वरूप के निर्णय के लिए होता है, लेकिन यदि वस्तु स्वरूप का निर्णय के बाद वह विषय जो है अगर आपको रुचिकर है तो निर्णीत विषय में बारंबार भी चिंतन चल सकता है, उसमें कोई विरोध नहीं है। आगे, अनुप्रेक्षा चिंतन स्वरूप होने से ज्ञानात्मक है, ध्यानात्मक नहीं। अब यहां पर आगे जो अकलंग देव का आ ही रहा है उसमें अनुप्रेक्षा और ध्यान में अंतर बताएंगे, क्योंकि यह प्रश्न हमें खासकर बहुत काफी बार होता है, जो भी भावना, जब भी 12 भावना का प्रकरण चलता है कि अनुप्रेक्षा और ध्यान में अंतर क्या है, तो उसी को आगे स्पष्ट करेंगे। अपन पढ़ लेते हैं फिर अपन इसके बारे में चर्चा करते हैं। अनुप्रेक्षा और ध्यान का अंतर स्पष्ट करते हुए आचार्य अकलंक देव लिखते हैं कि स्याते दनुप्रेक्षापि धर्म ध्यानेर अंतर भवति इति प्रथगासामुपदेशो नर्थक इति तत्र किम कारणम् ज्ञान प्रवृत्ति विकल्पत्वात् अनित्यादि विषय चिंतनम् यदा ज्ञानम् तदानुप्रेक्षा व्यपदेशो भवति यदा तत्रेकाग्र चिंता निरोधस्ता धर्म ध्यानम्। अर्थात अनुप्रेक्षाओं का धर्म ध्यान में अंतर्भाव हो जाने से उनका पृथक कथन करना उचित नहीं है। यदि कोई ऐसा कहे तो उसका कथन ठीक नहीं है, क्योंकि अनुप्रेक्षाएं ज्ञान प्रवृत्ति विकल्प रूप है। एक एक शब्द इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी लोग ध्यान से इसको सुनिएगा, क्योंकि अनुप्रेक्षाएं ज्ञान प्रवृत्ति विकल्प रूप है। अनित्यादि विषयों का चिंतन जब ज्ञान रूप होता है तब वह अनुप्रेक्षा कहलाता है, और जब अनित्यादि विषयों में चित्त एकाग्र होता है तब धर्म ध्यान होता है। इसीलिए जो अनुप्रेक्षा है वह ज्ञान की पर्याय है और जो ध्यान है वह चारित्र की पर्याय है। तो जो मैंने ऊपर आपको बात बताई थी कि चारित्र अन्य कुछ नहीं है, चारित्र कोई अन्य कोई गुण नहीं है, चारित्र बस वो ज्ञान की कंटिन्यूटी का नाम है, तो वो बात अब यहाँ पर उन्होंने आचार्य अकलंग देव ने भी लिख दी कि क्या अनित्यादि विषयों का चिंतन जब ज्ञान रूप होता है तब वह अनुप्रेक्षा कहलाता है, जब विकल्प रूप होता है तब वह अनुप्रेक्षा कहलाता है, पर जब अनित्यादि विषयों में चित्त एकाग्र हो जाता है, तल्लीनता हो जाती है, रमणता हो जाती है, तब वह ध्यान कहलाता है। ठीक है, तो ऊपर से ये बात अपन कनेक्ट कर सकते हैं। और जो मैं अनुप्रेक्षा और ध्यान को टाइमलाइन में इंक्लूड करने की बात कर रहा था वो भी मैं इस पैरा के हिसाब से कह रहा था कि तो सब अब हमारी टाइमलाइन जो है उसमें हमें पांचों स्टेजेस क्लियर हो गई कि सबसे पहले होगी मेरी जिज्ञासा, फिर जिज्ञासा से मेरी रुचि बनेगी, रुचि से मेरा चिंतन चलेगा, चिंतन से मेरी अनुप्रेक्षा होगी और अनुप्रेक्षा से मेरा ध्यान आएगा। ठीक है,
आगे पढ़ते हैं, वैराग्य उत्पादक तत्व परक चिंतवन ही अनुप्रेक्षा है। अब यहां पर अनुप्रेक्षा की परिभाषा में कीवर्ड्स डाल दिए गए, तो दो कीवर्ड्स हो गए अनुप्रेक्षा की परिभाषा में। कोरा चिंतवन अनुप्रेक्षा नहीं है, वैराग्य उत्पादक होना चाहिए और तत्व परक होना चाहिए हमारा चिंतवन, तब जाकर वो अनुप्रेक्षा नाम पाएगा, वरना नहीं पाएगा। तो इन दोनों कीवर्ड्स को हम याद रखेंगे कि वैराग्य उत्पादक और तत्व परक चिंतवन ही अनुप्रेक्षा है। आवश्यकता मात्र चिंतवन की नहीं, वैराग्य उत्पादक चिंतवन की है, तत्व परक चिंतन की है। ऐसा कौन सा संगी मन सहित प्राणी है जो चिंतवन से रहित हो, पर सामान्य जनों के चिंतवन, नीचे कर लीजिए, पर सामान्य जनों का चिंतवन का विषय प्रायः पंचेंद्रिय के विषय ही रहते हैं, कषाय चक्र ही उनकी चिंतन धारा का नियामक होता है। इसलिए अनुप्रेक्षा के पहले मैंने चिंतन का चिंतन को रखा है। क्यों? क्योंकि चिंतवन दोनों टाइप का हो सकता है। यदि आपका अशुभ चिंतवन होता है तो उसको अनुप्रेक्षा नहीं कह सकते। अगर आपका शुभ चिंतवन होता है, अनित्य आदि के विषयों में आपका चिंतवन होता है, तो हम उसको अनुप्रेक्षा नाम देंगे। अब हम यदि विचार करें तो हम में और जानवरों में बस यही अंतर है, क्योंकि जानवर भी कई है ऐसे संगी पंचेंद्रिय, उनके पास भी मन है, परंतु वो उनके पास सोच विचार की शक्ति होने के बावजूद भी उन वो चिंतवन नहीं करते। और हमारे पास एक ऐसा मतलब एक गुण है कि हम चिंतवन कर सकते हैं, तो हमारे लिए इसी बात की उन्होंने यहाँ पर इसीलिए इस पॉइंट को भी जोड़ा कि ऐसा कौन सा संगी मन सहित प्राणी है जो चिंतवन से रहित हो। तो हमारे पूरे दिन भर में अगर हम कैलकुलेट करें, तो यदि हम सुबह का एक घंटा मान लें हमारा पूजन का, उसके बाद हम थोड़ा स्वाध्याय अगर हम सुबह भी करते हो तो एक घंटा हम तब मान लें, शाम के स्वाध्याय को भी हम मिला लें, तो दिन भर में हमारा मुश्किल से 3 घंटे हम धर्म में दे रहे हैं। ठीक है, अभी भी ये 3 घंटे आप चिंतवन कर रहे हो, मैं ये नहीं कह रहा। हमारा इन 3 घंटों में भी कितना चिंतवन चल रहा होगा, ये हम सबको अपना अपना विचार करना चाहिए। यदि आप और हम संपूर्ण मतलब हम अगर दिन भर में अगर हम एक लाइन भी पढ़ें और यदि हमारा दिन भर उसका चिंतवन चले तो कितनी अच्छी बात है, क्योंकि हम पढ़ तो लेते हैं लेकिन हमारा कभी उसके बारे में चिंतवन नहीं चलता है। बाल बोध में भी यदि हमने सबने दिनचर्या का पाठ पढ़ा होगा, दिनचर्या में वहां पर सबसे पहले ये लिखा कि सुबह उठकर सबसे पहले णमुकार मंत्र पढ़ना, बस यहीं पे खत्म नहीं कर दिया कि णमुकार मंत्र पढ़ना बस उठ जाना, ऐसा नहीं। णमुकार मंत्र पढ़ना, आत्मा और परमात्मा का विचार करना, चिंतवन करना, इस बात पे भी जोर दिया, क्योंकि हम णमुकार मंत्र मात्र पढ़ लें उससे कोई हमारी सिद्धि नहीं है, परंतु उसके बाद उनका चिंतवन भी चलना चाहिए, उनके बारे में विचार चलना चाहिए कि पंच परमेष्ठी का स्वरूप क्या है, आत्मा का स्वरूप क्या है, ये पंच परमेष्ठी मेरे लिए कैसे शरणभूत है, मेरे लिए शरणभूत क्या नहीं है, इन बातों पर भी हमारे लिए विचार चलना चाहिए। क्योंकि आज हमारे पास देखे तो हमारे पास सब कुछ है, टोडरमल जी की भाषा में कहें तो सर्व प्रकार से अवसर आया है, परंतु यदि फिर भी हम इन सब उत्तम संयोगों का यदि हम उपयोग ना करें तो ये हमारे लिए ही कल्याण की बात नहीं होगी, मतलब ये हमारे लिए ही कुगति का कारण बनेगा। हमारे पास मन तो है पर हम विचार नहीं करते, हमारे पास घड़ी तो है पर हमारे पास समय नहीं है, हमारे पास जिनवाणी है पर हमारे पास स्वाध्याय नहीं है, हमारे पास मंदिर है तो हमारे पास पूजन और भक्ति नहीं है, हमारे पास सारे साधन है पर हमारे पास साधना नहीं है। तो हमें सबसे पहले ज्यादा से ज्यादा जोर, आप भले ही जिनवाणी कम पढ़िए परंतु उसके बारे में हमारा विचार बारंबार चलना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए 12 भावनाओं का प्रकरण इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे मात्र पढ़ने पर, सीखने पर या फिर रटने पर इंपॉर्टेंस नहीं दी, यहाँ पर जो वेटेज दिया ना वो चिंतवन पर दिया, विचार करने पे दिया। इसलिए 12 भावनाओं का जो विषय है ये उन्होंने भारल जी ने स्टार्टिंग में भी लिखा कि बहुचर्चित विषय है, क्योंकि चिंतवन का जोर इन 12 भावनाओं में दिया जाता है, इसलिए इन 12 भावनाओं को चर्चित विषय कहा गया है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं।
विषय कषाय की पूर्ति के लक्ष्य से किया गया चिंतन अनुप्रेक्षा नहीं है, वह चिंता है जो चिता से भी अधिक दाहक होती है। यदि विषय कषायों की पूर्ति के लिए हमारा चिंतन चल रहा है, जो कि हमारा 24 घंटे चल ही रहा है, तो वह चिंतन अनुप्रेक्षा नहीं है, उसको अनुप्रेक्षा नाम नहीं देंगे, उल्टा उसे चिंता कहते हैं। वह चिंता नहीं, वह चिंता है, और जो चिता से भी अधिक दाहक होती है, जो चिता से भी अधिक जलाती है। ऐसा क्यों लिखा, उसका कारण आगे कहा कि कहा भी है, चिंता चेतन को दहे, चिता दहे निर्जीव। कि जो चिंता है, मतलब जो विषय कषायों की पूर्ति के लिए जो हमारा चिंतन चला, वह जो एक चिता है, वह तो मात्र निर्जीव शरीर को ही जलाती है, जो मर गया उसके शरीर को ही जलाती है जो वो चिता। लेकिन जो चिंता है, वह तो सजीव जानन देखनहार चेतन को जलाती है। इसलिए कोरा चिंतन नहीं, विषय कषायों का चिंतन, उसको अनुप्रेक्षा नहीं कहा, बल्कि ऊपर जो हमारे कीवर्ड्स थे, जो हमने दो कीवर्ड्स हमने आज परिभाषा में पढ़ लिए कि वैराग्य उत्पादक और तत्वपरक, ऐसा चिंतन ही अनुप्रेक्षा है। इन सब के अलावा विषय कषाय की पूर्ति के लक्ष्य से किया गया चिंतन अनुप्रेक्षा नहीं है, चिंतन नहीं है, सच्चा चिंतन नहीं है, वह तो चिंता है जो कि चिता से भी अधिक दाहक है। ठीक है, तो अपन आज अगर समराइज करें तो आज अपन ने क्या क्या पढ़ लिया कि सबसे पहले तो आज हमने ये पढ़ा कि चारित्र सच्ची मतलब चारित्र की असलियत में होता क्या है, चारित्र कि ज्ञान की कंटिन्यूटी को ही हम चारित्र कहते हैं, चारित्र जैसा कोई अन्य ऐसा कोई गुण नहीं है। दूसरा, अरुचिकर विषयों का भी चिंतन चल सकता है, कम रुचिकर विषयों का भी चिंतन चल सकता है, परंतु उन उन विषयों को जो तत्वपरक नहीं है और जो वैराग्य उत्पादक नहीं है, उनको सच्चा चिंतन नहीं कहेंगे, सच्ची अनुप्रेक्षा नहीं कहेंगे, उल्टा उन्हें चिंता कहेंगे जो कि चिता से भी अधिक दाहक है। और आज हमने ध्यान और अनुप्रेक्षा में अंतर समझा कि जो ध्यान है वह तो चारित्र गुण की पर्याय है, जो अनुप्रेक्षा है वह ज्ञान गुण की पर्याय है। अनुप्रेक्षा के द्वारा जो विषय चल रहा है उनके द्वारा जब आत्मा में तल्लीनता हो जाती है उसको ध्यान कहा जाता है, और ऐसा आचार्य अकलंक देव ने लिखा है। ठीक है, तो आज अपन ने इतना कुछ पढ़ लिया है। यदि आपको अगर इसमें कोई डाउट होता है, क्वेरी होती है, या फिर आप कुछ इसमें विचार प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो आप हमें व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं या फिर जिनसोर फोरम पे भी आप डाल सकते हैं। ठीक है, तो बाकी विषय अब आगे कल कंटिन्यू होगा। जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढो।